भाई अपना सूप हो चुका रेडी। आज मछली वाले हैं। और ये देखिए, और ये सामने आपके भीमशिला, यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी थी। तो जी, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम गौरीकुंड से निकले और रास्ते में हमें काफ़ी जगह बारिश का सामना करने को मिला और उसके बाद हम फाइनली 10 घंटे और 30 मिनट के बाद केदारनाथ बाबा के यहाँ पर पहुँच चुके थे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने सबसे पहले अपना कैंप प्लेस करना प्रीफर किया और हमने सबसे पहले अपना कैंप प्लेस किया। देन उसके बाद मैं वापस केदार बाबा के यहाँ पर आया, मैंने वापस दर्शन किए लेट नाइट क्योंकि भीड़ काफ़ी कम थी। और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस कैंप की तरफ निकल गया जो कि मैंने जस्ट केदार बाबा के पीछे ही लगाया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैंप की लोकेशन। जी, ये रहा मेरा आशियाना आज रात का वाइट कलर में। और लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, लोकेशन है केदारनाथ। क्यों है ना, जन्नत में घर बनाया कि नहीं। चलो अंदर चलते हैं। चलो तो जी अभी बनाते हैं सूप। तो ये नोज़ का सूप बनाते हैं 2 कप। और अभी यार ठंड ज़्यादा है, -5 डिग्री हो चुका है, 8:30 तो हो गया टाइम। तो टेम्परेचर मैंने लगा दिया, देखिए -5 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। और यहाँ पे अभी सूप की बहुत सख्त ज़रूरत है तो अभी बंद बना रहे हैं उसको। ओह माय गॉड, खुशबू तो सही आ रही है। क्या जान रहे तुम? तो भाई अपना सूप हो चुका है रेडी। तो ये देखिए, चलो अब इसको एंजॉय करते हैं और थोड़ी ठंड को भगाते हैं क्योंकि यार -5 डिग्री में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी तो रात के 8:30 ही बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तो पूरी रात बाकी है यार। और सुबह 4 बजे तो ये -7 डिग्री बता रहा है। अभी देखते हैं। और दिन में आज अभी स्नोफॉल हुई है हमारे आने से 1 घंटा पहले। और जहाँ पर हम थे आपको हमने दिखाया था कि कैसे ओले पड़ रहे थे यार, तो ओलों के बीच में सरवाइव करते हुए हम यहाँ आए हैं अभी। चलो सूप एंजॉय करते हैं, देन उसके बाद खाना के लिए सोचते हैं। लाइट नहीं चली। लो जी गर्मा गर्म सूप कड़ाके की ठंड में। लो जी, तो कर लो सूप एंजॉय। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, -6 डिग्री टेम्परेचर है। तो मैं अभी बाबा के पास जाके थोड़ा हाथ वाथ सेक कराऊं। और भाई मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हुआ था इसलिए मैं लेके नहीं गया। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ अगर हो सका तो, अदरवाइज़ मैं आपसे कल ही मुलाकात करूँगा सुबह सुबह। और सुबह सुबह आपको केदार बाबा के दर्शन कराऊँगा जैसे कि अभी रात को कराए थे। तो चलो सुबह मिलते हैं आप। तो भाई सुबह के 5 बजने ही वाले हैं और ये देखिए हमारे टेंट से नज़ारा। तो यार पूरी रात हमारे कैंप के चारों तरफ चहल पहल होती रही। और एक अच्छी बात ये थी कि हमने SDRF के जवानों को वहाँ पर देखा जो लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे। तो चलो अपना गेट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं शानदार नज़ारे। ये देखिए ये चारों तरफ शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये देखिए, अभी सुबह मैंने देखा हमारे कैंप पे पूरी बर्फ़ गिरी हुई थी और ये दिख रहा होगा आपको इधर, तो अभी भी गिरी हुई है। ये देखो ये बर्फ़ है, ये देखिए बर्फ़ है ये। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। और यार कल रात को जो टेम्परेचर था -6 या -7 के आसपास था क्योंकि मैं रात को 3-4 बार मतलब सोया ही नहीं था ढंग से। पूरी रात मैं उठा रहा क्योंकि लोग बागों की चहल पहल यहाँ होती रही। और मेरे पीछे दिख रहा हो आपको, मतलब रात भर यहाँ चहल पहल लगी रहती है। और सुबह 6 बजे की आरती चल रही थी, उस टाइम पे भी मतलब उठा नहीं जा रहा था, इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी। और अभी जल्दी से इसको बैग पैक करके फिर हम महादेव जी के दर्शन करते हैं और फिर रिटर्न हमारी जर्नी रहेगी ऋषिकेश के लिए और फिर हम जाएंगे जयपुर। तो चलो यार इतना खूबसूरत नज़ारा यार वैसे तो मिस नहीं करना चाह रहा था मैं सुबह सुबह, तो अच्छा हुआ अपन जल्दी उठ गए। वह एक चीज़ और बता दूं, अपन देखो बिल्कुल केदारनाथ जी के यहाँ जो भीमशिला रखी है इसके बगल में हमने कैंप लगाया था और हमारे जैसे कई लोगों ने भी यहाँ कैंप लगाया था। ये देखिए, तो कैंप लगाने का ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर,
और बेस कैंप में भी आप कैंप लगा सकते हो, और वहाँ से आप खुद से कैंप नहीं लाते हो तो आप वहाँ पर भी एक रेंट से अपन कैंप ले सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड रहता है वो कैंप उसी प्लेस पे। तो अगर आप खुद का कैंप लाते हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो फ्रीली, जैसे कि उन भाई साहब ने लगा रखा, देखिए कहाँ कहाँ लगा रखे हैं कैंप। तो इस चीज़ की सहूलियत रहती है, और साथ में मेक श्योर कि आप स्लीपिंग बैग्स कैरी करें, वो भी -5 to 10 degrees का, क्योंकि रात भर यार हमने जो यूज़ किया है वो 10 degrees का स्लीपिंग बैग था। उसके बाद जो हमें बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि हमने देखो ये जैकेट भी डाल रखा है, इसके नीचे इनर भी डाला हुआ है, बट फिर भी सर्दी लगी रही थी। हाँ जी, अब कर लीजिए आप मंदिर के सामने से दर्शन। तो ये देखिए हमारे महादेव जी, और ये है चारों तरफ का नज़ारा। हम आ गए हैं केदारनाथ जी के पीछे की साइड, और ये सामने आपके भीमशिला। तो 2013 में जो चोराबारी लेक से, जो सामने चोराबारी लेक है, वहाँ से ये पत्थर टूट कर यहाँ आकर लग गया था। और यार यहाँ देखो कितना नज़दीक हेलीकॉप्टर की सर्विस भी है। तो जी अभी हम आ गए हैं श्री आदि शंकराचार्य समाधि पर, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था अभी कुछ समय पहले। तो ये थोड़ा गोल गोल घूम के जाना पड़ता है इसके लिए, तो चलो अपन भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ऊपर से दिखाते हैं पहले। ये देखिए, और इसका रास्ता गोल गोल घूम के मंदिर के जस्ट पीछे, ये देखिए। आ गए हम शंकराचार्य की समाधि के पास। लो जी, इनकी परिक्रमा भी करवाई देते हैं आपको। नेट तो जी 2013 के डिजास्टर के बाद यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये। तो अगर आप कभी पानी भी आता है, जो उधर है चोराबारी लेक, तो पानी भी आता है तो पानी साइड से होकर निकल जाएगा। तो देखिए बहुत मजबूत दीवारें बनाई हैं, और उसके बाद ये शंकराचार्य की समाधि बनी थी। और ये देखिए चारों तरफ है ये, और उधर एक हेलीपैड है जो भी मैंने आपको दिखाया था, और एक इससे पहले भी है जो कि है केदारनाथ बेस कैंप के पास। और ये सामने है हमारे पत्थर, और उसके पीछे है महादेव जी। तो छोटू तो लग गया लाइन में, और अपना भी जहाँ तक है नंबर आ ही जाएगा 10 मिनट में। चलो जी अब अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है तो अपन यहाँ तक ही दिखाते हैं, और दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो सामने वार्निंग भी दिख रही है, तो चलो अब अंदर चलते हैं। अपने दर्शन तो हो चुके हैं, लेकिन यार एक चीज़ बहुत बुरी लगी यहाँ पे, क्योंकि अंदर यार मतलब पैसे लेके पंडित वगैरह कुछ वो अंदर डायरेक्ट दर्शन करवाते हैं, जिस वजह से जो लंबी लाइनों में लगते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगते हैं, उनके लिए फिर वो हसल हो जाता है, उनके दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यार ये चीज़ की व्यवस्था को देखना चाहिए। हमारा कैंप देखिए पूरा गीला हो चुका था, ये देखिए, और उसकी वजह से इतना टेम्परेचर था, ये देखिए अंदर भी पानी जा रहा है, ये पानी की बूंदे। ये थोड़ा क्या है, धूप लगवा देते हैं तो ये कि सूख जाएगा। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा हो गया। देखो भाई पूरा गीला हो गया था, तो इसको सुखा रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी फिर वेट करना होगा। यहाँ पे हमने प्लेस किया था तो ये पूरा नीचे भी गीला हो चुका है, और ये कैंप वो उसकी वजह से यार पानी की बहुत ज़्यादा मतलब लग गया था यहाँ पे, तो इसको भी सुखाने के लिए पटक दिया, फिर इसको पैक करते जैसे ये सूख जाता है। और ये कुछ लोकेशन थी हमारे कैंपिंग की, और जो कि बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही शानदार थी। देखिए यार कितने शानदार वाइट कलर के पहाड़ लग रहे हैं, ऊपर है ना वासुकी ताल, ऊपर पड़ी हुई है, बाकी रात को कभी ऐसे मतलब ऊपर नीचे होता है। तो भाई वो जो सामने दिख रहा है वो वासुकी ताल है, और इधर है चोराबारी लेक, ये जो आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे। और अगर आप राइट में देखोगे तो वो जो सामने ट्रैक दिख रहा है वो भैरवनाथ जी का है,
कहते हैं कि भाई यात्रा पूरी नहीं होती अगर उसको कंप्लीट ना करे तो। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है केदारनाथ जी के यहाँ से, और मौसम बिल्कुल खिला हुआ है। तो जी अब 6 महीने के लिए केदारनाथ जी के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से। लो जी हमने भी अपना टायर चेंज कर लिया है और अपने भोलेनाथ जी की टी शर्ट डाल ली है। चलो भाई ये लोकेशन इतनी प्यारी थी कि अपन ने 2-4 रील यहाँ पे बना लिए बढ़िया बढ़िया, और आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम आईडी पे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और उस पे मेरी क्विक अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाता है, बट जो इंस्टाग्राम पे मैं जो पोस्ट करता हूँ स्टोरी वो करंट टाइम की होती है। तो यार मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। तो यार पहुँचते हमारे को 6 बज जाएंगे सोनप्रयाग, तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो यार जाते जाते हमने भी सोचा कि लोगों की तरह हम भी अपना यहाँ एक आशियाना बना कर चले जाएं, तो हमने भी पत्थर से घर बनाना स्टार्ट किया। और मैंने यार यकीन नहीं मानोगे 5 मंजिला इमारत मैंने बना दी थी जो आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद ये घर रेडी हो गया। चलो जी अब यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है, तो मैं लास्ट में जाते जाते आपको भीमशिला के दर्शन भी करा देता हूँ। तो देखिए अभी जहाँ तक है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले ये साफ सफाई का काम चल रहा है अभी। और ये देखिए ये है भीमशिला जो 2013 की त्रासदी में मतलब इस मंदिर के लिए एक ढाल बनी थी। और ये देखिए कितनी हाइट पर और कितनी डिस्टेंस पर रुकी है, जैसे कि इसको बनाया इसलिए था कि इधर ही आके रुके। तो वैसे तो बहुत सारे पत्थर यहाँ थे बट वो सारे हटा दिए, बट ये एक पत्थर को नहीं हटाया गया क्योंकि यार इसकी वजह से ही ये मंदिर बच पाया था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत माहौल है यार यहाँ का। तो जी यहाँ पे कुछ और भी मंदिर बन रहे हैं छोटे छोटे केदारनाथ जी के जस्ट बगल में, तो अभी तो आप दर्शन कर लीजिए, फिर इसके बाद तो शायद 6 महीने बाद ही होंगे। भैया प्रसाद कितने का है? प्रसाद 200 वाला है। हाँ ये 300 वाला। 200 वाला ये 50 वाला, ये 100 वाला। कौन सा ले बता? एक ये दे दो 200 वाला और एक ये दे दो। हमने प्रसाद ले लिया, चलो दर्शन करते हैं अभी। लो जी अपन ने प्रसाद भी ले लिया है और अब चलते हैं सीधा ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि यार काफ़ी लेट हो रहा है और हमने अपना कैंप भी दे दिया किसी को। तो चलो अब चलते हैं यार, हमारे जो साथी थे वो तो यार ऊपर गए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम के शॉर्टेज है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। और भी तो भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर जो कि 10 मिनट के ट्रैक है, तो भी हम यहाँ से निकल रहे हैं। और देखिए दोस्तों 17 अक्टूबर के दिन यहाँ पर कितना रश है, तो आपको दिख रहा होगा पूरा, और ये पूरी रात से लगा हुआ, मतलब पूरी रात आपको चहल पहल दिखेगी, ये लाइन पूरी रात दिखेगी। 2 बजे से लगना स्टार्ट हो जाती है लाइन और रात को वैसे 8 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, बट फिर भी लोग अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग यहाँ बैठे रहते हैं इसी पोडियम पे। तो मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ जो कि 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है, वो देखिए वहाँ से और वो देखिए महादेव तक, बहुत लंबी लाइन है यार। तो जी ऐसा कुछ माहौल है अभी केदारनाथ जी का, और आपने देखा होगा कितने खूबसूरती से हमारे दर्शन हुए हैं और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और मौसम भी बहुत मतलब अपने अकॉर्डिंग ही था सारा, ना बारिश है ना ज़्यादा कुछ हुआ, लेकिन यार स्नो देखने की बड़ी इच्छा थी अभी इस टाइम पे, बट वो हुई नहीं। हाँ बट ये है कि रात को थोड़ी थोड़ी हुई थी बट उस टाइम हम सो रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे ही होता रहता है कि कभी बारिश आ जाती है कभी कुछ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन अपने ख्याल के, पीस। तो जी केदारनाथ सीरीज़ के सारे वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, गो एंड चेक इट आउट। तो जी अभी टाइम हो रहा है पूरे 10 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जो सारा ट्रैक है वो नीचे की तरफ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आते टाइम हमारे को 10.5 घंटे लगे थे, अभी लगता है 5 से 7 घंटे तो लग जाएंगे।